हेलो एवरीवन, गुटन मॉर्गन, वी गेट्स अस इनन, वेलकॉमन जू उंजरे व्लॉग। आज आपका वेलकम हो रहा है जर्मन लैंग्वेज में। आज जर्मन लैंग्वेज में बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि आज मैं आपको विजिट कराऊंगी जर्मन एजुकेशन सिस्टम की। अगर आप जानना और देखना चाहते हैं यूरोपियन कल्चर और यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं इस जर्मन एजुकेशन सिस्टम को जानने में। अगर आप यहाँ पे आते हैं या फिर यहाँ पे रह रहे हैं या इन फ्यूचर आपका कोई आने का यहाँ का प्लान है, तो शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। और वैसे भी किसी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम जानने में हर्ज ही क्या है। इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट और बेसिक पार्ट कवर करेंगे क्योंकि पूरा एजुकेशन सिस्टम तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो जो हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमने अपनी बच्ची का एडमिशन यहाँ पे करवाया है, उसका जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको कुछ बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे स्कूल कॉलेज का सेशन टाइम जो होता है वो अगस्त टू जुलाई है। चाहे बच्चा किंडर ग्रुप में है या प्राइमरी स्कूल में है या सेकेंडरी स्कूल में है, आप यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि एजुकेशन सिस्टम ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। अगर आप बच्चे के साथ किसी भी कंट्री से यहाँ मूव हो रहे हैं तो आपको आते ही बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में करवाना ही होगा, नहीं तो आपके पास गवर्नमेंट का लेटर आ जाएगा कि आपने अभी तक एडमिशन क्यों नहीं करवाया है। ये सब भी एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसको हम ज़्यादा कवर नहीं करेंगे और आगे बढ़ते हैं अपने स्कूल की एजुकेशन और टाइप्स ऑफ स्कूल जानने में। यहाँ 0 से 3 ईयर के बच्चों के लिए डे केयर होता है, 3 से 6 ईयर बच्चों के लिए किंडरगार्टन, जिसे इसे ये लोग कीटा भी कहते हैं, और इससे ऊपर क्लास 6 तक यहाँ होती है प्राइमरी स्कूल। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में हैं। जैसे मैं पर्टिकुलर बर्लिन की बात करूँ तो यहाँ क्लास 6 तक प्राइमरी स्कूल होती है, कहीं पे ये क्लास 5 तक भी होती है। इस वाली स्कूल को ये लोग कहते हैं ग्रुनशुले। इससे ऊपर वाले स्कूल जिसे सेकेंडरी या हायर स्कूल होता है, ये पार्ट थोड़ा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अच्छा भी है, लेकिन इसको थोड़ा समझना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कीटा की। अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है तो आपको उसको कीटा में एडमिशन करवाना होगा। ये जो स्कूल्स होती हैं ये आप जिस भी एरिया में रह रहे हो उसके अकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। गवर्नमेंट की एक साइट भी होती है जिस पर आपको एरिया वाइज कीटा की लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आप सेलेक्ट करके वहाँ एडमिशन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे कीटा में लॉन्ग वेटिंग लिस्ट होती है, तो जैसे ही आपका नंबर आएगा वो आपको लेटर के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे और आप एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये स्कूल एडमिशन प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और लेंदी पेपर वर्क होता है, लेकिन आप जर्मनी में हैं तो आपको लेटर रिसीव करने लिखने की आदत डालनी होगी, क्योंकि ये और इनका हाँ, पेपर वर्क हमारे लिए थोड़ा अजीब होता है। थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत अजीब होता है, क्योंकि जो काम एक मेल में हो सकता है उसके लिए इतने सारे पेपर क्यों वेस्ट करने। खैर छोड़िए, हम बढ़ते हैं आगे कि कीटा से आगे होती है प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि वो होती है क्लास 1 से स्टार्ट होती है और क्लास 5 या 6 तक चलती है, जो कि डिपेंड करता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जर्मनी के कौन से पार्ट में रहते हैं। अब इसमें आप कौन सी स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हो उसका क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे आप पब्लिक स्कूल में करवाना चाहते हो या फिर प्राइवेट में कराना चाहते हो या इंटरनेशनल में कराना चाहते हो, उसके बारे में मैं आपको ये कैसी स्कूल्स होती हैं, क्या क्या इनका क्राइटेरिया होता है, वो मैं आपसे आगे डिस्कस करती हूँ।
ग्रून चुले या प्राइमरी स्कूल के बाद आपके पास दो ऑप्शन हो जाते हैं पढ़ाई के लिए। एक ऑप्शन जो है स्टडी का, वो है कि आपको आगे की हायर स्टडी करना, और दूसरा ऑप्शन जो है वो है स्टडी करके जॉब करने का। एक है आप 8 ईयर तक हाई स्कूल करिए, फिर यूनिवर्सिटी में जाइए, और फिर आपको जिस भी लाइन में जाना है उसमें जाइए। और सेकंड जो ऑप्शन है वो है 6 ईयर का, जिसमें आप सेकेंडरी स्कूल में जाओ और फिर 3 साल का एक वोकेशनल कोर्स करो। ये वोकेशनल कोर्स हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में टेक्निकल नॉलेज को लेकर होता है। आप उसमें आपकी ट्रेनिंग होगी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर फील्ड में, फिर आगे जाके आप उसी फील्ड में जॉब कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्राइमरी स्कूल के बाद 3 तरह के स्कूल होते हैं। एक है होपशुले, सेकंड है रियालशुले, और थर्ड है गिमनाजियम। होपशुले जो होता है ये यहाँ पे स्टडी का सबसे इजीएस्ट लेवल का स्कूल होता है। ये आपको 9th क्लास के बाद सर्टिफिकेट दे देता है। और जो रियालशुले है ये स्टडी में मिडल लेवल के स्कूल होते हैं, ये भी आपको क्लास 10th में सर्टिफिकेट दे देता है। और थर्ड जो होता है गिमनाजियम, ये ऑप्शन एक हार्ड लेवल स्कूल का होता है, मतलब जिन बच्चों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है वो ही ज़्यादातर इसमें एडमिशन लेते हैं। तो ये जो हार्ड लेवल का स्कूल होता है ये आपको सर्टिफिकेट देता है जिसका नाम है आबिट्यूर। इस सर्टिफिकेट की खास बात ये होती है कि आप क्लास 12 के बाद में जब आबिट्यूर क्लियर करते हो तभी आप यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। ये आबिट्यूर जर्मनी में हर एक स्टेट में अलग अलग होता है। किसी स्टेट में ये क्लास 12 के बाद मिलता है और किसी स्टेट में आपको ये क्लास 13 के बाद में मिलता है। उसके बाद आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बहुत ही सरफेस लेवल की बता रही हूँ, इसकी डीप एक स्ट्रक्चर होता है। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग साइट्स होती हैं जिन पे आप स्टेट वाइज और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि स्कूल कौन कौन से होते हैं, आई मीन गवर्नमेंट, प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूल। अब मैं थोड़ी सी इनके बारे में आपको डिटेल बताती हूँ। जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनको पब्लिक स्कूल भी कहते हैं। ये स्कूल स्टेट रन करता है, यानी स्टेट वाइज फंडिंग बेसिस पे जो स्कूल होते हैं उन्हें पब्लिक स्कूल कहते हैं। इनमें एजुकेशन फीस नहीं होती है, ये टोटली फ्री होते हैं सबके लिए, लेकिन इनका एजुकेशन मोड लैंग्वेज जर्मन होती है, यानी आपको सारे सब्जेक्ट जर्मन लैंग्वेज में ही होते हैं, उसी में पढ़ने होते हैं। तो अगर आप इस स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हो तो आप किसी और कंट्री से भी आ रहे हैं तो आपको थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, क्योंकि बच्चे को अगर जर्मन नहीं आती है तो उसके लिए थोड़ा स्ट्रगल बढ़ सकता है। तभी आप इन स्कूल के क्राइटेरिया में फिट हो सकते हो जब आपको जर्मन आ रही है। अगर आपके बच्चे को जर्मन नहीं आती है तो यहाँ के स्कूल में एक सिस्टम और होता है, यहाँ पे वेलकम क्लास के फॉर्म में एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। पहले आपको उसमें लिया जाता है, फिर लैंग्वेज लर्निंग के हिसाब से बच्चे को नॉर्मल क्लास में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन इन सब में मेन बात यह है कि ये जो पब्लिक स्कूल होती हैं उनमें एडमिशन काफ़ी आसानी से नहीं होता है, काफ़ी बड़ी वेटिंग लिस्ट होती है। सबसे पहले आपको आते ही बच्चे का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, फिर वेटिंग लिस्ट क्लियर होने पर वो आपको बुलाते हैं और आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, वो भी एक बहुत लेंदी और डिटेल्ड प्रोसेस है जिस डिटेल पे हम अभी नहीं जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के बाद में ये बच्चे को वेलकम क्लास में ले लेते हैं और बच्चे की लैंग्वेज लर्निंग के हिसाब से उसको 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, कोई फिक्स टाइम नहीं है, उसका एनालिसिस करते हैं और फिर उसको नॉर्मल क्लास में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये तो बात हुई पब्लिक स्कूल की। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ स्कूल, जो होता है प्राइवेट स्कूल, जो कि बाइलिंगुअल भी होती है। इसमें आपको इंग्लिश और जर्मन दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है, और कुछ कुछ स्कूल तो मोस्टली सब्जेक्ट इंग्लिश में ही आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको फीस आपको खुद को पे करनी होती है और इसकी फीस भी अच्छी खासी होती है। वैसे फीस
अलग अलग स्कूल पे डिपेंड करती है और इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आप कौन सी जगह पे रह रहे हैं। और इनका भी एडमिशन प्रोसेस आसान नहीं होता, इनकी भी वेटिंग लिस्ट होती है और आगे का प्रोसीजर तो सेम ही होता है जो पब्लिक स्कूल एडमिशन जैसा ही होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि इसमें आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है और फीस वो वाली स्कूल फ्री होती है पब्लिक स्कूल, और इसमें आपको पे करना होता है। पब्लिक स्कूल में आपको लंच मिलता है या नहीं मिलता है मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में बच्चों को ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग स्नैक्स स्कूल में ही मिलते हैं, ये आपको घर से नहीं ले जाने होते। मुझे तो ये बेस्ट पार्ट लगा, बच्चे को दोपहर में गरम गरम खाना मिल जाता है और फूड क्वालिटी भी काफ़ी सही होती है। और एक होती है इंटरनेशनल स्कूल, ज़्यादातर पेरेंट्स जो कि अदर कंट्रीज से थोड़े टाइम के लिए आते हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि उनका बच्चे का एडमिशन इंटरनेशनल स्कूल में हो जाए, क्योंकि इंटरनेशनल कैरिकुलम जो बेस्ट होता है वो इंटरनेशनली होता है तो बच्चे के लिए काफ़ी इजी हो जाता है। आप फीस की बात करें तो इसमें तो अच्छी खासी होती है, यानी मिनिमम 1000 यूरो पर मंथ से स्टार्ट होता है और डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन सच कहूँ तो काफ़ी एक्सपेंसिव स्कूल्स होती हैं ये। और अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे कि हाउ टू डिसाइड स्कूल। देखो वैसे तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ मेन फैक्टर मैं बताती हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं जिसके बेसिस पे आप स्कूल डिसाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो है कि आप कितने टाइम के लिए यहाँ पे रहने के लिए आ रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं तो आपको इंटरनेशनल स्कूल्स में जा सकते हैं या फिर प्राइवेट स्कूल या बाइलिंगुअल स्कूल में जा सकते हैं। पब्लिक स्कूल में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता एक्चुअल में, आप बच्चा जब तक जर्मन सीखेगा और लैंग्वेज से एक दो साल स्ट्रगल करता रहेगा और फिर वो वापस वहाँ से निकल जाएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं तो आपके लिए पब्लिक स्कूल या प्राइवेट स्कूल ले सकते हैं। ये भी आपका डिपेंड करता है कि आप चाहते हैं कि बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज के साथ मेजोरिटी के साथ जाए तो आप प्राइवेट स्कूल ले सकते हैं, और अगर आपका बच्चा छोटा है और लॉन्ग टर्म में रहने का प्लान भी है तो बच्चे को पब्लिक स्कूल में डालना ज़्यादा सही होगा। उसमें बच्चे की लैंग्वेज भी जल्दी से वो सीख जाएगा और इन स्कूल्स में सेकेंडरी लैंग्वेज इंग्लिश भी होती है तो उसकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी, जो कि क्लास 5th से स्टार्ट होती है वैसे यहाँ पर इंग्लिश, लेकिन थोड़ा यहाँ का कल्चर से वो ज़्यादा फेमिलियर और ज़्यादा अच्छा कम्फर्टेबल फील करेगा। अब मैं बात करती हूँ कुछ जर्मन स्कूल के इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। फर्स्ट है यूनिफॉर्म। यहाँ पे स्कूल्स में यूनिफॉर्म नहीं होती, जो आप घर पे पहन रहे हैं वही आप स्कूल में भी पहन के जा सकते हैं। सेकंड जो है वो है होमवर्क। यहाँ पे स्कूल्स में होमवर्क नहीं दिया जाता, जो भी वर्क है वो सब स्कूल में ही कम्प्लीट हो जाता है, आपको घर पर काम करने के लिए कुछ अलग से नहीं दिया जाता। और थर्ड्स है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम यहाँ पे कुछ ग्रेडिंग का ऐसा कुछ पैटर्न होता नहीं है जिसके लिए एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम फॉलो किया जाता है कि इस महीने में होगा या ये होगा, ये पूरे साल का एक जजमेंटल चलता रहता है इनका। उनके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जिसको बहुत डिटेल में तो मैं आज नहीं जाऊँगी, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि बच्चा कैसा है, मतलब किस में उसकी एक्सपर्टीज हैं। और फोर्थ जो टॉपिक है वो है स्कूल बस। यहाँ पे किसी प्राइवेट स्कूल हो या पब्लिक स्कूल हो, किसी की भी स्कूल बस नहीं आती, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट या खुद की गाड़ी से ही स्कूल जाना होगा। और जो फिफ्थ है वो है फीस। पब्लिक स्कूल पूरी तरह फ्री हैं सबके लिए, इंटरनेशनली जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए भी और यहाँ के लोकल बच्चों के लिए भी। और पब्लिक और इंटरनेशनल स्कूल्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है। और सिक्स जो फैक्टर है एक स्कूल ट्रिप। स्कूल ट्रिप यहाँ पे क्या है, साल में बच्चों की एक 1 वीक की एक स्कूल ट्रिप होती है जो कि मुझे काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी। एक्चुअल में बच्चे आपस में घुल मिल सकते हैं और उनको खुद का
डिपेंडेंट वो किसी पर नहीं रह के अपने काम खुद से करने की आदत डालने लग जाते हैं, और कैसे बाहर जाके मैनेज करना है, ये मुझे यहाँ का एक बेस्ट पार्ट लगा जो हर क्लास में आपकी साल में एक बार होती ही है। और सेवेंथ जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ वो है स्कूल टाइमिंग। सर्दी हो, बर्फ़ गिर रही हो, गर्मियाँ तो खैर ज़्यादा नहीं होती हैं यहाँ पे, तो स्कूल टाइमिंग सेम ही रहती है, जो सुबह 8 बजे से लेके शाम को डिपेंड करता है। किसी स्कूल में 3 बजे तक होती है, किसी स्कूल में 4 बजे तक होती है, ऐसा फिक्स पूरे साल यही टाइम टेबल रहता है। और जो स्कूल का एक टाइमिंग है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये अगस्त के लास्ट वीक से स्टार्ट होके जुलाई मिड तक इनका स्कूल का सेशन चलता है। और नाइन्थ जिस पे बात करेंगे वो है एक एडमिशन प्रोसेस। अपनी और भी, जैसे मैं इंडिया से हूँ तो वहाँ पे जो एडमिशन के लिए एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, वैसे ही यहाँ पे भी एक ओपन हाउसेस होते हैं स्कूल्स के, जहाँ पे आप जाके उस स्कूल के बारे में जान सकते हैं। अगर आप एडमिशन में इंटरेस्टेड हैं और वहाँ पे भी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है तो आप बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं, जैसे वाले फैक्टर्स। ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ के जर्मन स्कूल सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम के बारे में। आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, में बेसिक लेवल की इन्फॉर्मेशन मैं दे पाई हूँ। और कुछ एडमिशन प्रोसेस के लिंक्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत ही इजी और हैप्पीएस्ट एजुकेशन सिस्टम है। मतलब यहाँ पे एकेडमिकली आपके बच्चे अगर छोटे हैं तो बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर नहीं दिया जाता है, वो भी इस एजुकेशन पार्ट का एक अच्छा, बच्चों के लिए एक्चुअली बहुत ही अच्छा पार्ट है वो। तो बस यहीं पे मैं एंड करती हूँ इस वीडियो के, बाद में कभी डिटेल में बात करेंगे और एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय एवरीवन।